संगठन पर चर्चा होगी। हाल में ही हमने तय किया था पिछले एक डेढ़ महीने में कि जो विधायक को प्रभार दिया हुआ था जिले का, वो कोई विधायक किसी जिले का प्रभार नहीं लेगा, क्योंकि उसको अपना क्षेत्र देखना है। 13 महीने बच रहे हैं चुनाव के। आज हमारा लक्ष्य है कि हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंचे। मुकाबला हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। और ये राजनीतिक परिवर्तन जो देश में प्रदेश में हो रहा है, ये राजनीतिक परिवर्तन सबको एहसास करना पड़ेगा और सबको अपनाना पड़ेगा। आज के मतदाताओं की अपनी सोच है। परिवार में भी लोग अलग अलग वोट डालते हैं, तो ये सब बातें सामने रखते हुए हमारा संगठन कैसा बने बूथ लेवल तक, इस पर चर्चा होगी। हमने मुद्दे बनाए हैं, इश्यूज बनाए हैं, जो सब प्रभारी और सह प्रभारी मिलकर इसकी रिपोर्ट देंगे। और ये चुनाव तक ये चलता रहेगा। संगठन की क्या स्थिति है, ब्लॉक की क्या स्थिति है, हमारे स्थानीय नेताओं की क्या स्थिति है, जाति समीकरण में क्या बन के आता है, ये सब हमें इस पर चर्चा करनी है। वर्चुअली हो सकती है, पर बात यह है कि ये तय करना है कि कब हमारे संगठन का चुनाव समाप्त होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन होनी है। सर, कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला क्या, मध्यप्रदेश कांग्रेस में अब चलेगा, मुरैना से भी इंदिरा अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, कई सारे ऐसे कई विधायक थे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनमें से लगभग सबने ही मुझे 3-4-5-6 महीने से कह रहे थे कि हम जिला अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, कि अब हमें अपना क्षेत्र देखना है, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। सर, आपने टीम भी भेजी थी, साथ विधायक थे, क्या रिपोर्ट मिली सर वहाँ पे, क्या आपको टीम भेजी थी, मैं तो खुद गया। इसमें कोई रिपोर्ट की तो आवश्यकता मैं सोचता हूँ है नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा, सब पूरे मीडिया ने देखा कि मिट्टी का डैम बना हुआ है, इसमें कैसी रिपोर्ट बनेगी, काय की रिपोर्ट बनेगी। तो साफ स्पष्ट है कि ये भ्रष्टाचार का डैम फूटा था और इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, हर ठेके में भ्रष्टाचार है, डैम होए, पुलिया होए, पुल होए, हर सब चीजों में भ्रष्टाचार है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की देश की राजधानी बना दी है। 6 दिन में बन गया और जो एक पाल बनाया जाता है, मुहर्रम वगैरह डाली जाती है, वही डाली गई है, ये तो सब दिख रहा है, मैंने खुद देखा, लोगों ने दिखाया, आम लोगों से चर्चा हुई, किसी का मकान गया, जमीन गई, मिट्टी साफ हो गई, वो तो हमेशा के लिए खेती से बर्बाद हो गई, उनकी फसल गई। प्रश्न ये है, ये रिपोर्ट तो लिपापोती करती रहेगी, पर लोगों को मुआवजा मिले, जमीन का मुआवजा मिले, उनकी फसल का मुआवजा मिले, उनके मकान का मुआवजा मिले, प्रश्न यह है ये कब मिलेगा, इसकी रिपोर्ट की क्या इंतजार, क्यों इंतजार कर रहे हैं, जब पूरी सब चीज मीडिया में आ गई है, सब ने देख लिया है, आंखों से देख लिया है, तो कैसी और कौन सी रिपोर्ट बनेगी जिसके बाद मुआवजा मिलेगा। राहुल गांधी की पता जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में क्या तैयारियां, हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं, आज भारत जोड़ो यात्रा की भी चर्चा है कि इसमें किस प्रकार से होगा, जहां राहुल गांधी जी का दौरा जिन जिलों में नहीं है, उनकी यात्रा जहां से नहीं गुजरेगी, वो अपने आप बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री हवाई सर्वे कर रहे हैं, वो तो उनकी हर चीज ही हवाई होती है, तो सर्वे क्या हुआ, वो तो हवाई है, मुआवजा दे। हमारे यहाँ जब मैं मुख्यमंत्री था, नीमच मंदसौर में आई थी बाढ़ आई थी, उनको 7 दिन के अंदर मुआवजा मिला था, नीमच और मंदसौर की जनता इसका गवाह है। ये फाइल का पेट भरना, हवाई दौरे करना, मीडिया का इवेंट करना, इसमें तो शिवराज सिंह जी माहिर हैं। कौन अब सिंधिया जी जो कर रहे हैं वो करें, मैं वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। प्रभारी है, जिला अध्यक्ष हैं, हम शायद एक और दो और पद जिले में बनाएं, ताकि जिले आज बहुत बड़े हैं, एक विधानसभा सीट में 240, 250, 260, 270 बूथ हैं, कोई एक व्यक्ति 20 बूथ 25 बूथ से ज़्यादा नहीं संभाल सकता,
ये आज हमें बात समझनी पड़ेगी। ये बात, ये नई राजनीति है। सर कांग्रेस के राजनीतिक होंगे सर कार्यकारी नाम इंडिया और साउथ इंडिया से क्या? अब इसमें बहुत सारी टिप्पणियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस पर। सर आपका भी नाम चल रहा है आपके देश के लिए। मैंने ये साफ कह दिया कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहने वाला हूँ। सर जबलपुर के चार विधायकों को कल आपने बुलाया था बातचीत के लिए? वो तो आए थे, वो तो मीटिंग के लिए आए थे, तो मुझे मिले चारों। कोई नाराजगी नहीं थी, सबसे मैंने बैठक कर ली। सर विधायक कह रहे हैं कि हम लोग के आपस में मिसकम्युनिकेशन था, ये स्थिति कैसे बन रही है? ये आप देखिए, ये जहाँ चार विधायक हुए एक जिले में, ऐसा स्वाभाविक है, परिवार में नहीं होता, पांच का परिवार होता है, ये सब बातें स्वाभाविक है, पर इसमें इसका कोई ज्यादा मतलब मायने नहीं है।